जोरदार तालियों से महामहिम राज्यपाल जी का स्वागत किया जाए। निश्चित रूप से आपकी उपस्थिति हमारे लिए, विशेष रूप से हिंदी भाषा प्रेमियों के लिए उत्साह तथा प्रेरणा का द्योतक है। जोरदार तालियों से पुनः सभी अतिथियों और महामहिम राज्यपाल जी का आदर सत्कार एवं स्वागत किया जाए। आप सभी का, सभी महानुभावों विद्वानों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, अभिवादन। हमारे बीच उपस्थित हैं एमडी और सीईओ जम्मू कश्मीर बैंक श्री बलदेव प्रकाश जी। महोदय, आपसे सादर निवेदन है कि आप भी मंच पर पधारे। वादी हिंदी शिक्षा समिति के संरक्षक श्री कवि कुमार मनोजी से भी आदर पूर्वक निवेदन है कि आप भी मंच पर पधारे। इसी परंपरा के अनुरूप इस बंद से आज के इस कार्यक्रम तथा पूरे सभागार को सुगंधित करते हैं। अत्यंत सम्मान के साथ मंचासीन महानुभावों से सादर निवेदन है कि वे इस परंपरा का हिस्सा बने। मान्यवर श्री हमारे बीच में उपस्थित हैं डिविजनल कमिश्नर सर, मैं उनसे सादर निवेदन करती हूं कि वह महामहिम उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी का पुष्पों से आदर सत्कार एवं स्वागत करें। महामहिम जी को पुष्प देते हुए उन्हें स्मृति भेद चिन्ह भेंट करते हुए उन्हें शॉल पहनाते हुए बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर आपका। अब मैं फिर से आग्रह करती हूं डीकॉम विजय श्री जी से कि वह श्री कवि कुमार मनोज जी का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री कवि कुमार मनोज जी से विनती है कि वे मान्यवर डीप कॉम जी का पुष्पों से अभिवादन करें। कवि कुमार मनोज जी से निवेदन है कि वे सीईओ एंड जम्मू कश्मीर बैंक श्री बलदेव प्रकाश जी का अभिवादन। बहुत धन्यवाद। वादी हिंदी शिक्षा समिति की अध्यक्षा श्रीमती नसरीन अली दीदी जी से निवेदन है कि वे अकादमी सचिव श्रीमती हरविंदर कौर जी का पुष्पों से स्वागत करें।
बहुत धन्यवाद। हमारे संस्कार और भारतीय संस्कृति की धरोहर हमें यह सिखाती है कि जब भी हम कोई नया कार्य प्रारंभ करते हैं तो हम अपने गुरुजनों, महात्माओं, संतों व विद्वानों की वाणी का न केवल स्मरण करते हैं अपितु उनकी वाणी को गांठ बांधकर उनसे अपने मार्ग को प्रशस्त होता हुआ भी देखते हैं। गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वरा, गुरुर रणविजय राव जी को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वे महामहिम उपराज्यपाल के करकमलों से सम्मान ग्रहण करें। श्री रणविजय राव जी, जोरदार तालियों से स्वागत करें। अब श्री उपेंद्रनाथ जी से मैं निवेदन करता हूं कि वे भी अपना सम्मान उपराज्यपाल जी के करकमलों से ग्रहण करें। श्री उपेंद्रनाथ जी, केंद्रीय विश्वविद्यालय कश्मीर के आदरणीय कुलपति महोदय प्रोफेसर एन रविंद्रनाथ जी से भी निवेदन है, यदि वो सभागार में उपस्थित है, कि वह महामहिम उपराज्यपाल से अपना सम्मान ग्रहण करें। श्री जयंत अरोड़ा जी, आप भारतीय जीवन बीमा निगम मानव संसाधन विकास उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय नई दिल्ली के प्रादेशिक प्रबंधक हैं, वे प्रायोजक भी हैं, उनसे भी निवेदन है कि वे भी आके अपना सम्मान ग्रहण करें। श्री रविंदर कुमार गुप्ता जी, जो कि जम्मू व कश्मीर एवं लद्दाख भारतीय स्टेट बैंक के उप महाप्रबंधक और आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक भी हैं, उनसे भी मैं निवेदन पूर्वक विनती करती हूँ कि वे भी अपना सम्मान ग्रहण करें। जोरदार तालियां उनके लिए। श्री नीरज कुमार आनंद जी से निवेदन है कि वे मंच पर आ जाएं और अपना सम्मान ग्रहण करें। श्री फजलुल हसीब, प्रबंधक निदेशक JKTDC, प्रायोजक के रूप में भी आपकी इस कार्यक्रम के में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अब भारतीय जीवन बीमा निगम उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय नई दिल्ली के प्रशासनिक अधिकारी राजभाषा श्रीमती कल्पना जी से अनुरोध है कि वे मंच पर पधारें। श्री सोनम छेवांग, वरिष्ठ मंडल प्रबंधक भारतीय जीवन बीमा निगम जम्मू कश्मीर। श्रीमती मंजू गुप्ता, जम्मू व कश्मीर बैंक। श्री बलदेव प्रकाश जी, डॉक्टर भारत भूषण शर्मा जी, विभागाध्यक्ष हिंदी विभाग केंद्रीय विश्वविद्यालय जम्मू। डॉक्टर भारत भूषण शर्मा, रिटायर्ड प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, महासचिव जम्मू कश्मीर राष्ट्रभाषा प्रचार समिति जम्मू। श्री यमुना प्रसाद यादव, प्रबंधक हायर सेकेंडरी स्कूल प्रतापगढ़। श्री केशव गुप्ता, अध्यक्ष यूनिवर्सल थिएटर अकेडमी जयपुर, प्रशस्त स्टूडियो प्रायोजक।
जोरदार तालियां तो होनी चाहिए सबके लिए। हमारे बीच श्री रईस जी हैं, जो कि हमारे माननीय उपराज्यपाल जी को साइटेशन पत्र देना चाहते हैं। रईस जी, जोरदार तालियां। श्री केशव गुप्ता जी, अध्यक्ष यूनिवर्सल थिएटर अकादमी। अब्बाजीज हिंदी शिक्षा समिति के उन छात्रों को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं जो इस समिति से हिंदी शिक्षा ग्रहण करता हूं। खुदा महराज, जैनब, शिफान, अफान, असरा, फैजान, आमिर, नादिया, हुबैद, शंदाना, एक साथ सभी बच्चे मंच पर आ जाएं। ये वो बच्चे हैं जिनके स्कूलों में हिंदी विषय पढ़ाया नहीं जाता है, लेकिन फिर भी ये समिति से हिंदी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इन बच्चों के लिए जोरदार तालियां हो जानी चाहिए। इन छोटे बच्चों के लिए जोरदार तालियां तो बनती है, हाल तब तक नहीं चलता है जब तक ये तालियों की गड़गड़ाहट ना होती रहे। जोरदार तालियां मेरे बच्चों के लिए। अब समय आ गया है उन विद्यार्थियों को सम्मानित करने का जिन्होंने 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं में हिंदी विषय को पढ़ा है और एक इतिहास रच दिया है। कश्मीर घाटी के मुख्य धारा के विषयों के विपरीत जाकर एक ऐसी कारकर्दगी का प्रदर्शन किया जिससे आज हम गर्व से ये कह सकते हैं कि कश्मीर घाटी में हिंदी भाषा का भविष्य न केवल उज्ज्वल है बल्कि हिंदी में भी भविष्य है। ये वास्तव में वह कड़ी है जिसके लिए समिति कार्यरत है। अब मैं मंच पर कश्मीर क्षेत्र के उन 15 बच्चों को उनके प्रधानाचार्यों के साथ एक एक कर मंच पर आमंत्रित करता हूं। सबसे पहले जिन्होंने 10वां स्थान प्राप्त किया है, गुरचरण कौर, प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, श्रीनगर। नौवां स्थान प्राप्त करने वाली स्कूल के प्रधानाचार्य से भी निवेदन है कि वो तुरंत मंच पर आ जाए। अशप्रीत को, तमन्ना इकबाल, डेकेशु, श्रीनगर। जसप्रीत कौर, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, बारामूला। जोबनदीप सिंह, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, बारामूला। छठा स्थान अली इमरान मॉडल हाई स्कूल, श्रीनगर। छठा स्थान यूसियाना न्यू एरा पब्लिक स्कूल, श्रीनगर। पांचवा स्थान मान्या सोनी प्रेजेंटेशन कॉन्वर्ट हायर सेकेंडरी स्कूल, श्रीनगर। चौथा स्थान गुरलीन कौर प्रेजेंटेशन कॉन्वर्ट हायर सेकेंडरी स्कूल, श्रीनगर। चौथा स्थान अबीहा खान मैनसल गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल। तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले राजप्रीत कौर, मैनसल गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल, श्रीनगर। पूरी कश्मीर घाटी में तीसरा स्थान जैनी कौर, कश्मीर वैली स्कूल, बड़गाम। दूसरे स्थान पर 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाले जैमीन कौर, मेलनसन गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल। जोरदार तालियों से इनको प्रोत्साहित किया जाए।
दूसरे स्थान पर जयमीन कौर मेलन सिंह गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल, जोरदार तालियों से इनका इनको प्रोत्साहित किया जाए। अब पूरी कश्मीर घाटी में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले नीवा पुलवामा के गवर्नमेंट स्कूल के छात्र शिफान एजाज को जोरदार तालियों से मंच पर आमंत्रित करता है। आप गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नीवा पुलवामा से इस सफलता को अर्जित कर रहे हैं, आपकी सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मंचासीन विद्वानों से पुनः निवेदन है कि अपना आसन ग्रहण करें। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज सिन्हा जी का। प्रधान सचिव संस्कृति विभाग श्रीमान सुरेश गुप्ता जी, मंडलायुक्त कश्मीर श्री विजय विधुरी जी, प्रबंध निदेशक जम्मू कश्मीर बैंक श्री बलदेव प्रकाश जी, सचिव जम्मू कश्मीर एकेडमी श्रीमती हरविंदर कौर जी, प्रख्यात कवि कुमार मनोज जी, वादी हिंदी शिक्षा समिति की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती नसरीन अली निधि, जम्मू कश्मीर तथा देश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए हिंदी के साहित्यकार कलाकार हिंदी के प्रेमी विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थी देवियों सज्जनों और मित्रों, जश्न संगम के शुभारंभ की मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। गुप्ता जी ने, अरविंदर कौर जी ने और नसरीन ने जब इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई थी तब उन्होंने कहा था कि जश्न संगम के दो प्रमुख उद्देश्य होंगे, पहला विभिन्न क्षेत्रों भाषाओं और संस्कृतियों के लोगों को एक मंच पर लाना, उनके बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना, और दूसरा उद्देश्य होगा कश्मीर घाटी में हिंदी भाषा और साहित्य पढ़ने वाले विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना तथा युवा पीढ़ी को हिंदी भाषा और साहित्य की ओर आकर्षित करना। उस दृष्टिकोण से मैं मानता हूं कि यह आयोजन एकता और साझा सांस्कृतिक जड़ों के महत्व पर जोर देते हुए विभिन्न समुदायों में जुड़ाव और एकजुटता की भावना को प्रेरित कर रहा है। आजादी के पश्चात 77 वर्षों में कश्मीर जैसे अनेक अहिंदी भाषी क्षेत्रों में मातृभाषा हिंदी न होते हुए भी अनेक रचनाकारों ने हिंदी की सेवा की है। उन्होंने नीति निर्माताओं के उन प्रयासों को सफल बनाने की कोशिश की है जिन्होंने मातृभाषा को सुदृढ़ बनाने के साथ साथ हिंदी को राष्ट्रभाषा और विभिन्न भाषाओं के बीच समन्वय के सूत्र में स्थापित किया है। मैं व्यक्तिगत रूप से इसे एक भारत श्रेष्ठ भारत का साकार स्वरूप मानता हूं और यही विविधता में एकता का भी प्रतिनिधित्व करता है या प्रतिबिंब है। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को समर्पित इस सभागार में मैं उन्हीं की चंद पंक्तियां आपको सुनाना चाहूंगा। गुरुदेव कहा करते थे, भारत एक महासागर की तरह है जिसमें विभिन्न संस्कृतियां, भाषाएं, परंपराएं और विचारों की धाराएं आकर मिल जाती। और उन्होंने लिखा, हे मोर चित पुण्य तीर्थे जागोरे धीरे, ए भारतेरे महामानवे सागर तीरे। मित्रों, जश्न संगम भी साहित्य और संस्कृति का महासागर है जो इस शारदा पीठ में हिंदी भाषा को लेकर एक नया उत्साह और नई उमंग पैदा कर रहा है। मैं ये भी कहना चाहूंगा, मैं किसी भी भाषा को बड़ा या छोटा नहीं मानता। सभी भाषाएं बहुत अच्छी हैं और उनकी अहमियत भी, लेकिन देश की आजादी के काफी पहले जब महात्मा गांधी ने
ऐसी भाषा की खोज करना शुरू किया जो देश की एकता को मजबूत बनाए, तो उनका ध्यान हिंदी की तरफ गया और हिंदी में उन्होंने समन्वय की तथा व्यक्तियों, समाज और क्षेत्रों को जोड़ने की सबसे प्रमुख ताकत देखी। हमारी संस्कृति में कहा गया है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम् वर्षतद् भारतम् नाम भारती यत्र संपति। भारत वो जो हिमालय से हिंद महासागर तक की सभी विविधताओं और विशिष्टताओं को समेटे हुए है, उसी की संतान हर भारतीय है। तीन बार जो मैं देख रहा था उनके बारे में, 1000 से ज्यादा पीएचडी अब तक कबीर दास जी पर हो चुकी है, उस व्यक्ति पर जिन्होंने कोई किताब नहीं पढ़ी, ऐसे ऐसे मूर्धन्य विद्वान हुए हैं। मैं समझता हूं कि इनमें से भी हमारे बच्चे आने वाले दिनों में प्रेरणा लेकर निश्चित रूप से हिंदी का और हिंदुस्तान का, जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जम्मू कश्मीर कला संस्कृति एवं भाषा अकादमी तथा वादीज हिंदी शिक्षा समिति श्रीनगर के संयुक्त प्रयास से टैगोर हॉल तथा राजभवन कश्मीर के इस सभागार में आयोजित 3 दिवसीय अखिल भारतीय हिंदी कवि समारोह जश्न संगम 2024 में आमंत्रित सभी अतिथियों का अकादमी की ओर से हार्दिक धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत आभारी हूं केंद्रीय शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के महामहिम उपराज्यपाल माननीय श्री मनोज सिन्हा जी, आपका, आपकी अनुमति से और प्रयास से हम इतने बड़े आयोजन को सफलता की ओर ले जाने के लिए सक्षम हुए हैं। वैसे तो हम सब ये भी जानते हैं कि महामहिम मनोज सिन्हा सर जी खुद भी बहुत ही अच्छे कवि हैं और कलाकारों, साहित्यकारों की भावनाओं को खूब कदर भी करते हैं। सर, आपने अपनी गरिमामयी उपस्थिति से इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है, आपका हार्दिक धन्यवाद। मैं धन्यवाद करती हूँ इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रिंसिपल सेक्रेटरी सुरेश गुप्ता जी का, जो हर एक कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल होकर हमारी हौसला अफजाई करते हैं और साथ ही में हमें पूरा सहयोग भी देते हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत आभार। मैं आभार व्यक्त करती हूँ डिविजनल कमिश्नर कश्मीर श्री विजय बहादुरी जी का। सर, आपका भी आभार, आपने हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होकर सर हम। मैं धन्यवाद करती हूँ जम्मू कश्मीर बैंक के चेयरमैन, जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर हमारे कार्यक्रम में शामिल होकर हमारा नाम लिया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सतर के हास्य व्यंग्य कवि श्री कुमार मनोज जी का, जिनकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय हिंदी कवि सम्मेलन में 4 चांद लगने जा रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत आभार। इसके अतिरिक्त मैं यहां आए हुए सभी राष्ट्रीय और अंतर सतर के कवियों का भी धन्यवाद करती हूं, जिनमें मुख्य तौर पे पवन आगरी जी, सुरेश अलबेला जी, जिनको आप सब लोग एज लाफ्टर चैंपियन के तौर पे भी जानते होंगे, बलजीत कौर की जो कि एक हास्य कवित्री हैं, आप सबका धन्यवाद। हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा होने के साथ साथ हमारी संपर्क भाषा भी है, जो हमारी संस्कृति और साहित्य को पूरी भाषाओं से परिचित करवाने के साथ साथ अपनेपन का एहसास भी करवाती है। मैं तहे दिल से आभारी हूँ उन स्कूल्स का, उन विद्यार्थियों का, उन प्रिंसिपल्स का, जिन्होंने आज के इस प्रोग्राम में शामिल होकर और जिनको यहाँ पे स्टेज से सम्मानित भी किया गया, मुख्य तौर पे जिनमें न्यू इरा पब्लिक स्कूल, बर्न हाल स्कूल, मॉडल हाई स्कूल, प्रिंसिपल व छात्र, आप सबका स्वागत है।
जहाँ पे छात्रों ने अपने अपने विषय में अच्छे अंक उत्तीर्ण करके आज यहाँ पे सम्मानित हुए, जो बच्चे उनके पीछे जो हैं उनके प्रिंसिपल इंस्टीट्यूशंस के या अध्यापक, उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। जैसे कि आज हमने जो कार्यक्रम का प्रारंभ करते हुए कुछ छात्रों ने वो कबीर जी का एक श्लोक जो गायन किया है, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो दिखाए। तो गुरु के बिना गत नहीं, ये सब हम जानते हैं, तो उन सब गुरुओं का भी यहाँ पे हार्दिक अभिनंदन। मैं धन्यवाद करती हूँ वादीज हिंदी शिक्षा समिति की संरक्षक डॉक्टर निधि नवाज जी और डॉक्टर वाहिद राजा बांद्रू जी का, जो अपने अपने अन्यत प्रयासों से राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार और प्रयास हेतु सदा ही तत्पर रहते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ आए हुए सभी माननीय अतिथियों का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैं अपने ऑफिस के स्टाफ के हर एक कार्यकर्ता का भी धन्यवाद करती हूँ, जिनकी मेहनत से ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है। आखिर में मैं धन्यवाद करती हूँ इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के सभी सदस्यों का, जो हमारे इस कार्यक्रम को घर घर तक पहुंचाते हैं। इस कार्यक्रम के आयोजन में जिन जिस डिपार्टमेंट्स ने, बैंक्स ने या और इदारों ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, उन सबका तहे दिल से धन्यवाद।